हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी मैटर के कितने स्टेट होते हैं। पहले ये वाला देखते हैं मैटर का। स्पेशली हम लोग पढ़ते हैं तीन स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो मैटर के तीन स्टेट हैं इनको इंडिविजुअल पढ़ा जाता है अलग अलग चैप्टर में। ये जो पार्ट है सॉलिड, इसके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए मॉलिक्यूल्स, एटम्स या पार्टिकल्स बहुत पास पास है, तो वो सॉलिड बना। ये लिक्विड, ये गैस बना। जो सॉलिड वाला पार्ट है उसको पढ़ाया जाता है क्लास ट्वेल्थ में, चैप्टर नंबर 1 है जो सॉलिड स्टेट नाम से है। लिक्विड वाले पार्ट को डील किया जाता है सॉल्यूशन चैप्टर में, ये भी ट्वेल्थ क्लास के सेकंड वाले पार्ट में है, नहीं ट्वेल्थ क्लास के सेकंड चैप्टर में है, फर्स्ट पार्ट की बुक में। थर्ड जो गैस स्टेट है इसको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। इसका नाम है गैस स्टेट, या उस चैप्टर को हम स्टेट ऑफ मैटर्स के नाम से भी जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। यहाँ पे आपको दो डायग्राम दिखाया गया है, ये है डायमंड और ये है NaCl का क्रिस्टल। ये जो डायमंड है ये सॉलिड है, तो सॉलिड में हम जानते हैं कि डायमंड किससे बना है, कार्बन से। इसका मतलब कार्बन, बहुत सारे कार्बन कनेक्टेड हैं और वो क्रिस्टल बन चुका है। तो कैसे कार्बन कनेक्टेड होंगे, उसका सबसे छोटा वाला यूनिट सेल क्या होगा, वहाँ पर कार्बन कहाँ कनेक्टेड है। वैसे ही ये वाला पार्ट NaCl का क्रिस्टल है, तो NaCl जो सॉलिड है उसमें Na प्लस Cl माइनस जो आयंस हैं उनका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा, और उनको अगर हमने हीट कर दिया तो क्या उन पर डिफेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ाई जाती है। स्टार्ट करते हैं। तो इसका सबसे वाला पार्ट, सिंपल वाला पार्ट ये है कि जो डायमंड में जो क्रिस्टल था, अलग अलग पोजिशंस पर कार्बन अटैच होंगे, तो उसको अंदर से अगर देखा जाए तो कैसा है, ये ऐसे पार्टिकल्स होंगे और ऐसे इनके पार्ट पोजीशंस होंगे। तो जो पोजीशंस हैं, यानी इस पूरे को कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। जिस पोजीशंस पे कार्बन अटैच होगा डायमंड में या किसी में भी, जो पार्टिकल्स अटैच होंगे या अरेंज होंगे, उन्हें कहेंगे लैटिस पॉइंट। यानी जिस पॉइंट पे वो हैं उन्हें बोलेंगे लैटिस पॉइंट। उसका सबसे स्मॉलेस्ट वाला पार्ट, स्मॉलेस्ट को कहते हैं एक, तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट वाला जो सेल होगा उसे बोलेंगे यूनिट सेल। यूनिट सेल में अरेंज होंगे जो एटम्स या आयंस। हम सिंपल पढ़ने के लिए, इजी करने के लिए स्टार्टिंग में ले लेते हैं कि एटम्स, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, सबसे सिंपल हम लोग लेते हैं एटम्स। और एटम्स को मानेंगे कि वो स्फेरिकल है और उनका अरेंजमेंट इस टाइप का है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल में जब प्रेयर करते हैं तो क्या हम लोग लाइन में खड़े रहते हैं, तो क्या होता है कि सबके पास, हर क्लास के बच्चों का पोजिशन होता है कि यहाँ पर फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स खड़े होंगे, यहाँ पे 6th 7th ऐसे करके, और सबका पोजीशंस है। तो पूरे को अगर लिया जाए तो वो क्या होगा, जहाँ पे असेंबली है वो है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो होंगे लैटिस पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट्स पे स्टूडेंट होंगे। सबसे स्मॉलेस्ट वाला जो लिया जाएगा उसे बोलेंगे यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में आज जो स्टार्ट करेंगे वो है क्यूबिक यूनिट सेल। जो यूनिट सेल हमने लिया है सबसे स्मॉलेस्ट वाला, वो कैसा वाला लिया है, क्यूबिक। क्यूबिक में ये हमारा क्यूब है, इस क्यूब में ये सारे साइड्स, साइड की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, मान लेते हैं वो ए यूनिट है। और सबके बीच में एंगल, ये एंगल, सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री। एक क्यूब में, उसको और क्लासीफाई करते हैं, क्यूब में क्या होंगे, कॉर्नर्स, एजेस, फेस और पूरे क्यूब का बॉडी सेंटर। एक क्यूब का डायग्राम लिया है, ये पूरा क्यूब बना हुआ है। तो एजेस का मतलब या कॉर्नर का मतलब क्या होता है, देखो ये है, जिनको कॉर्नर बोला है उनको वर्टेक्स से हम लोग पढ़ते हैं। तो कितने वर्टेक्स हुए, कितने कॉर्नर हुए एक क्यूब में, काउंट करेंगे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कॉर्नर्स हुए एक क्यूब में, 8 कॉर्नर्स। एजेस, ये जो लाइन है इन्हें कहते हैं एजेस। आप लोग काउंट करें अपने रूम को, मान ले कि क्यूब है, अगर वो क्यूबॉइड है कैसा भी है, अज्यूम कर लो वो क्यूब है, उसमें कितने एजेस होंगे, काउंट करने पे आपको मिलेगा 12। और कितने फेस होंगे, एक ज़मीन है, ऊपर छत और चारों ओर दीवार, तो कितनी फेस हुई हमारी, 6। बॉडी सेंटर का मतलब हमने एक बॉडी माना, उसका सेंटर क्या होगा, बिल्कुल एक होगा बीच में। तो वैसे ये क्यूब है, इसका बॉडी सेंटर कहाँ होगा, ये वाला, ये फेस है। अगर फेस का सेंटर बोलेंगे तो फेस के सेंटर पे फोकस करना है,
नाम से ही लग रहा है कि फेस सेंटर मतलब फेस के सेंटर, फिर भी जितने फेस होंगे उतने हमारे फेस सेंटर होंगे। अगर बात किया जाए हाउ मेनी फेस सेंटर, तो कितने हो जाएंगे, 6। बॉडी सेंटर, एक ही बॉडी है तो बॉडी सेंटर होगा 1। एजेस 12 है तो 12 है तो उसका भी अगर एजेस सेंटर बोला जाएगा तो 12 एज सेंटर है। कॉर्नर तो पूरा कॉर्नर है, उसका कोई भी सेंटर नहीं होगा, वो तो खुद ही कॉर्नर है। फिर क्यूबिक का हमने क्लासिफाई कर लिया, जो क्यूबिक वाला पार्ट है उसको फिर डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें जो हम अरेंज करेंगे, जब अरेंज करेंगे एटम, माना है एटम स्फेरिकल है तो कैसे, उसके 3 पार्ट हैं, प्रिमिटिव, एक्चुअल में 4 है, यहाँ पे 3 लिखा गया है, चौथा नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब कि सबसे सिंपल वाला होगा, सबसे सिंपल यूनिट सेल। एक है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक के अंदर एक ऐसा बनाया गया है जिसका नाम है क्यूबिक, और एक है फेस सेंटर यूनिट सेल। जो प्रिमिटिव है, सिंपल है, उसके अंदर क्या होगा, जो एटम्स कहाँ होंगे, ओनली ओनली और कॉर्नर्स। ध्यान रखिए मैं बार बार ओनली क्यों बोला है, वहाँ पे कितने कहाँ पे होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स, या आप उसको वर्टेक्स बोल सकते हैं। बॉडी सेंटर का मतलब कहाँ पे होंगे, बॉडी सेंटर पे तो होंगे ही, उसके साथ साथ कॉर्नर। याद रखिए नाम है बॉडी सेंटर, तो यूजुअली क्या कर लेते हैं, कॉर्नर भूल जाते हैं, कह देते हैं सिर्फ बॉडी सेंटर पे। नहीं, कॉर्नर्स तो डिफाइन है, सब में कॉर्नर्स होंगे ही, उसके अलावा अगर कहीं एक स्पेशल पॉइंट पे या स्पेशल लैटिस साइट पे हमारे एटम्स आ जाएंगे तो उसका नाम उसके अकॉर्डिंग होगा। बॉडी पे आया उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर, कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर, कॉर्नर पे भी हैं उसके साथ साथ बॉडी सेंटर पे भी हैं। फेस सेंटर कॉर्नर्स पे भी हैं और फेस पे भी हैं। इन सबको हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। ये पार्ट ऊपर डिस्कस किया था। जो लैटिस पॉइंट है वो कौन ऑक्यूपाई कर सकता है, एक ही पार्टिकल ऑक्यूपाई करेगा, वो पार्टिकल क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल या आयन। सिंप्लिसिटी के लिए हमें सिंपल सिंपल करके पढ़ना है जिससे हमें समझ में आ जाए। तो सिंप्लिसिटी के लिए क्या मानेंगे, एटम ही मानेंगे, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन्स भी हो सकते हैं। स्टार्टिंग में एटम लेंगे, बाद में उसको आयन से रिप्लेस कर देंगे। जो हमारे एटम है कैसा मानेंगे उसको, स्फेरिकल। तो जो स्फीयर होगा उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर मतलब ये रेडियस, दिखने में ये सर्कल लग रहा है बट ये स्फेरिकल ही मैंने ड्रॉ किया है, अज्यूम कर लें ये स्फेरिकल है। जो अरेंज होंगे, ये देखिए हमारा नेचुरल या नॉर्मल जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, ये भी अरेंजमेंट है। ये मॉल में या किसी भी फ्रूट स्टॉल पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखो एप्पल को अरेंज किया गया है, यहाँ पे एक लाइन में रखा है, फिर उसके ऊपर, ये सारे अरेंजमेंट हम पढ़ेंगे। क्या ये सारे अरेंजमेंट सेम है, यहाँ पे देखिए ये अरेंजमेंट अलग है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे सिंपल वाला अगर क्यूब लेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, क्यूबिक यूनिट्स हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया है कि जो वाले जहाँ पे हमारे एटम्स अरेंज होंगे उनको क्या बोला जाएगा, लैटिस साइट्स, और वो पूरा का पूरा होगा लैटिस, जिस पॉइंट पे होंगे उन्हें लैटिस साइट बोलेंगे, और जो रेड रेड यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है वो है हमारा लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट पे हम लोग क्या मान रहे हैं कि वो हमारे एटम्स होंगे। हम क्या देखेंगे कि हमने एटम्स को अगर कॉर्नर्स पे रखा, फेस पे रखा, तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। स्टार्ट करते हैं, ये वाला पार्ट फर्स्ट है कि जब हमने एटम को कॉर्नर्स पे रखा, कितने कॉर्नर्स थे हमारे, 8। अभी हमने सिर्फ एक कॉर्नर्स पे रख कर चेक कर रहे हैं, जो एक कॉर्नर पे है वो कितने क्यूब में डिवाइडेड होगा। कॉर्नर पे हैं तो बाकी और क्यूब में भी आएंगे, दिख रहा है यहाँ से कि वो 8 क्यूब में आएगा। तो इसका मतलब एक क्यूब के अंदर उसका कितना पार्टिसिपेशन होगा, 1/8। सेकेंड, जब हमारा फेस सेंटर पे है, अगर वो फेस पे है तो कितने क्यूब में आ रहा है, वो 2 क्यूब में। देखो दोबारा से, एक एटम को रख दिया फेस में और उसको देख रहे हैं कि कितने क्यूब में आ रहा है, वो 2 क्यूब में। तो एक क्यूब में कितना कंट्रीब्यूशन होगा उसका, 1/2। थर्ड पे है यानी बॉडी के अंदर है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, वो तो खुद बॉडी के अंदर है तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, पूरा का पूरा होगा 1। उस एटम का हम लेंगे उसका कंट्रीब्यूशन है 1। अगर कोई एटम एज पे है, एज का मतलब अभी हमने देखा था क्यूब में कितने एजेस थे, 12। अगर 12
एजेस है उसमें हम एक पे फोकस कर रहे हैं, एक एज पे रखा है देखे डायग्राम में, वो एज पे है वो कितने अलग क्यूब का पार्ट है, वो होगा टोटल अलग 4 क्यूब का पार्ट होगा, याद रखना है ये वाला पार्ट। अगर कोई एटम कॉर्नर पे है तो वो एक क्यूब के अंदर आएगा 1/8, फेस पे है तो एक क्यूब के अंदर आएगा 1/2, एज पे है तो 1/4, अगर बॉडी सेंटर के अंदर है तो पूरा का पूरा उसका कंट्रीब्यूशन 1 रहेगा, वो सिर्फ उसी का ही है। तो एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब क्या था कि वो कॉर्नर्स पे होंगे, सारे कॉर्नर्स पे एटम होंगे, ओनली कहाँ पे होंगे कॉर्नर्स पे। अगर पूरा हमने उसको फुला दिया बलून जैसे पूरा, क्योंकि वो क्लोज पैक होगा, तो देखो उसका यूनिट सेल बना रहे हैं। एक यूनिट सेल का मतलब क्यूब बनाएंगे, तो देखो हर कॉर्नर्स पे है तो कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसका, यस समझ में आया, वो होगा 1। यानी एक कॉर्नर्स पे है 1/8 और हमारे 8 कॉर्नर पे है तो उसको क्या बोल देंगे, 1/8 × 8 आया 1 एटम। तो इफेक्टिव कितना आएगा उसके अंदर, हर एक एटम सॉरी हर एक कॉर्नर्स पे है पर इफेक्टिव हमें क्या दिखेगा, 1। नेक्स्ट बॉडी सेंटर क्यूबिक कहाँ पे होगा, कॉर्नर के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर भी होगा। हमारे बॉडी का मतलब हम क्यूबिक वाले सेल को बॉडी बोल रहे हैं। सारे कॉर्नर्स कितने कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स, और कहाँ पे होगा, बॉडी पे। बनाते हैं क्यूबिक, कट कर रहे हैं, एक क्यूब बना रहे हैं छोटा वाला क्यूब, जितने कॉर्नर्स हैं हमको तो 1/8 मिला एक का पार्ट, तो सबको जोड़ रहे हैं, सबको जोड़ने पे क्या मिलेगा हमें, 1 हो जाएगा। फिर एक बॉडी के अंदर है पूरा, तो नेट इफेक्टिव कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 एटम, एक सारे कॉर्नर्स मिलाकर और एक बॉडी सेंटर मिलाकर, टोटल कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 2। ये हमें याद रखना है। एक कॉर्नर्स पे होता है तो कितना बोला गया है उसको, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8, कितने कॉर्नर्स हैं 8, तो 8 × 1/8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 एटम। जो बॉडी में है उसको बोलेंगे 1 × 1 एटम। एक यूनिट सेल में दोनों को ऐड करेंगे, समेशन हो जाएगा 2। बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इसी के बेसिस पे आगे इफिशियंसी बाकी पैकिंग फ्रैक्शन डिफाइन होगा। यहाँ पे अगर एटम है मॉलिक्यूल है सबको कितना ही लेंगे, बॉडी सेंटर को बोलते हैं BCC, बॉडी क्यूबिक सेंटर। अब दूसरा लेते हैं सॉरी थर्ड वाला पार्ट, उसमें क्या ले रहे हैं, फेस सेंटर। याद करें हमने क्या लिखा था, कॉर्नर्स पे होंगे कितने कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स पे, और कितने फेस है, 6 फेस, सारे के सारे 6 फेस पे अरेंज होंगे, तो मिला के कितना हो जाएगा। हमें इफेक्टिव देखना है कि उस क्यूब में कितना आ रहा है, सारे कॉर्नर्स को नहीं बोलेंगे कि हर कॉर्नर्स पे है तो 8, नहीं हमें क्या लेना, इफेक्टिव उस क्यूब के अंदर कितना आ रहा है। बाकी सारे कॉर्नर्स वाले को ऐड कर रहे हैं, देखो हर कॉर्नर को ऐड करने पे बनेगा 1, और एक फेस पे होता है तो कंट्रीब्यूशन आता है आधा, तो 2 फेस मिलाकर आधा आधा मिलाकर हो जाएगा 1। हमारे कितने फेस है, 6 फेस हैं, तो 6 फेस का कंट्रीब्यूशन होगा 3, क्योंकि ये देखिए आधा आधा मिलके आया 1, वो दोनों आधा मिलके हो जाएगा 1, तो कितने हुए, फेस का आया 3 और सारे कॉर्नर्स का आया 1, तो टोटल कितने हो गए हमारे एटम, वो हो गए टोटल 4। क्लियर। सिंपल क्यूबिक में ओनली कॉर्नर्स पे थे 1, और FCC में कॉर्नर्स पे भी होंगे तो कितने फेस है हमारे, हमारे पास है 6 फेस, तो हो जाएंगे कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 8 × 1/8, एक कॉर्नर पे होगा 1/8 और 8 कॉर्नर है, 8 × 1/8 हो जाएगा 1, और हमारे पास 6 फेस हैं, एक फेस से कंट्रीब्यूशन होता है आधा, 6 का मिला के हो जाएगा 6 × 1/3, हो जाएंगे 3 एटम। टोटल यूनिट सेल में कितने हो जाएंगे, 1 + 3 = 4। थैंक यू।